अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। मैंने कभी नहीं सोचा था तू इतनी जल्दी हार मान जाएगी। वो ये कोई जंग थोड़ी है नानी अम्मी, हार जीत का सवाल कहाँ से आ गया? सुभान मन्नत से प्यार करता है, उसे शादी करना चाहता है, इसमें मेरा क्या लेना देना? जो कभी मेरा था ही नहीं वो आगे भी मेरा नहीं हो सकता। आगे का नहीं पता, मगर अभी जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। अरे जैसा भी है, सुभान आखिर तेरा शौहर है, तू चुपचाप सब कुछ बर्दाश्त कैसे कर सकती है? वो रोक रोक सुभान को रोक। इबू क्या फायदा नानी अम्मी, आप मेरी फिक्र करती है इसलिए ऐसी सलाह दे रही है ना नानी अम्मी। मत कीजिए मेरी फिक्र, मेरा इंसाफ मैंने ऊपर वाले पे छोड़ दिया है, जिससे बड़ा इंसाफ कोई कर ही नहीं सकता। इबू तो नानी अम्मी कुछ मत बोलिए, किसी भी हालात में मैं सुभान को रोकना नहीं चाहती नानी अम्मी, मैं बस चाहती हूँ कि वो खुश रहे, किसी के भी साथ रहे बस खुश रहे, मैं उसे नहीं रोकूंगी। आप प्लीज मुझसे ऐसी उम्मीद मत कीजिएगा, आप मेरे लिए कुछ करना चाहती है ना? सुभान और मन्नत के निकाह में मैं शामिल होने से रही, मेरी तरफ से आप ये तोहफा सुभान को दे दीजिएगा। क्या है इसमें? कुछ ऐसा जिससे सुभान को खुशी मिलेगी। अरे हफीज साहब आप यहाँ पर हैं और मैंने पूरे घर के चक्कर लगा लिए आपको ढूंढने के लिए। कल आपके बेटे का निकाह है। ये देखिए मैं आपके लिए शेरवानी लेकर आई थी, एक बार पहनकर तो देखिए आप पर अच्छी लगेगी या नहीं। देखिए क्या आप सही हुदा पने कायनात, तुम्हारा बेटा पहले से शादीशुदा है और उसकी बीवी इबादत है, और जो सुभान करने जा रहा है वो सबसे बड़ा गुनाह है शरीयत की नजर में और कानून की नजर में भी। कायनात मैं बता रहा हूँ, सुभान और मन्नत की शादी उसके लिए बर्बादी साबित होगी। अगर आपके जैसा बाप होना तो दुश्मनों की क्या कमी है? कभी बच्चों को दुआ तो देते नहीं, हर वक्त जली कटी बातें सुनाते रहते। हफीज साहब मन्नत से सुभान की शादी उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं करेगी बल्कि आबाद करेगी, और आपको किस बात का डर है? आज नहीं तो कल सुभान और इबादत का तलाक हो ही जाएगा। जो भी है गलत। बस हफीज साहब बहुत सुन ली मैंने आपकी। अरे सुभान और मन्नत एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे के साथ जीना चाहते हैं, तो उसमें बुराई क्या है? हो जाने दीजिए ये निकाह, आप बीच में बताइए हफीज साहब, वरना ये निकाह तो होकर रहेगा और हमारा झगड़ा होगा सो अलग। कायनात तुम इतनी खुदगर्ज कैसे हो सकती हो? तुम एक औरत हो, तुमने कभी सोचा है कि इस शादी के बाद इबादत पे क्या बीतेगी? सोचा है, मैं जानती हूँ कि उस पर क्या बीतेगी, और मैं चाहती हूँ कि सुभान और मन्नत का निकाह हो ताकि उस लड़की के सीने पर सांप लौटे, उसे बुरा लगे, उसे जलन हो, वो बर्बाद हो जाए। मैं चाहती हूँ क्योंकि वो उस गजल की बेटी है हफीज साहब, जिसने मेरे सुभान को मेरी कोख में मारने की कोशिश की थी। आप शायद भूल रहे हैं, उसकी रगों में उस गजल का गंदा खून दौड़ रहा है। वो क्या मेरे बेटे को पनपने देगी? एक ना एक दिन उस गजल का गंदा खून रंग दिखाएगा ही। देखिए कल मेरे बेटे का निकाह है, आप बस ये एक बार शेरवानी पहनकर देख लीजिए, आप पर ठीक जचती है नहीं, बस एक बार ट्राई कर लीजिए प्लीज। हफीज साहब, हफीज ये आंखें अपनी नवासी की गृहस्थी बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती। तू नामुमकिन को मुमकिन करने वाला है परवरदिगार,
मेरी इबादत की जिंदगी बर्बाद होने से बचा ले मेरे मौला। या अल्लाह, किसे दुआ दूं किसे बददुआ दूं, दोनों ही मेरी बेटियां हैं, एक गलत रास्ते पर चल पड़ी है और दूसरी को अपने घर की परवाह ही नहीं। इबादत बहुत भोली है मेरे मौला, उसका घर टूटने से बचा ले। पागल थी सुबह जो तुम्हें ठुकरा दी, पर अल्लाह ने मुझे एक दूसरा मौका दिया। अब मैं ऐसी गलती नहीं करूंगी, तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए अपने पास रखूंगी। आई लव यू सुबह, आई लव यू। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।